हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड फोन की एप्स को हाइड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ एंड्रॉयड फोन में हमारे साथ हिडन एप्स की फीचर अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए हम आसानी से अपनी फोन की एप्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके एंड्रॉयड फोन में ये फीचर अवेलेबल नहीं, तो आप एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए भी अपनी एंड्रॉयड फ़ोन की एप्स को हाइड कर सकते हैं। तो हम किस तरह अपनी एंड्रॉयड फ़ोन की एप्स को हाइड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन की एप्स को हाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप किस तरह से अपनी एंड्रॉयड फ़ोन की सारी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से आप हाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीक़ा बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड की फ़ोन की एप्स को किस तरह से हाइड कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो आप पहले इस ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके साथ जितनी भी ऐप्स है वो यहाँ पर आपके साथ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इस तीन डॉट्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड ऐप्स, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जितनी भी ऐप्स है उसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर इस डन की बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया था तो वो हाइड हो गया। मैंने यूट्यूब को हाइड करना चाहा तो वो मैंने हाइड कर दिया, आप देख सकते हैं। अब अगर आप उसको अनहाइड करना चाहें तो यहाँ से फिर उसको अनहाइड कर सकते हैं। इस थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से शो हिडन ऐप्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको जो हिडन ऐप्स है वो शो हो जाएंगी। तो इसको मैं इसी तरह से अनहाइड कर दूंगा। तो ये सबसे आसान तरीका है अपनी फ़ोन में ऐप्स को हाइड करने के लिए। अगर ये ऑप्शन आपकी फ़ोन में अवेलेबल ना हो, मौजूद ना हो, तो आप उसके लिए एक दूसरा ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसके ज़रिए आप अपनी एंड्रॉयड फ़ोन की ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से ऐप्स के ज़रिए अपनी एंड्रॉयड फ़ोन की ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा और प्ले स्टोर में एपिक्स लॉन्चर को मैं इंस्टॉल कर दूंगा। एपिक्स लॉन्चर को मैं इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी ओपन कर दूंगा। तो ये अभी एपिक्स लॉन्चर मैंने खुल दिया और अभी आप देख सकते हैं मेरी मेनू जो है वो सेटिंग सारी चेंज हो गई, यानी मैंने एपिक्स लॉन्चर को ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं एपिक्स लॉन्चर की सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से मैं अपनी एंड्रॉयड की एप्स को हाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ड्रामल सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर हिडन ऐप्स में जाऊंगा और यहाँ से आप जो भी ऐप्स हाइड करना चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को सर्च कर दूंगा और यूट्यूब को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस यूट्यूब को टिक मार्क कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो यहाँ से आपने यूट्यूब ऐप को दोबारा से हाइड कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे यूट्यूब ऐप आपके साथ अभी अवेलेबल नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं YouTube यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी अगर आप दोबारा से उसको शो करना चाहते हैं तो अभी आप दोबारा एपिक्स सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर ड्राइवर सेटिंग में जाएंगे और हिडन ऐप्स में जाकर यहाँ से फिर हम अनहाइड कर देंगे। तो ये था ऐप्स के ज़रिए कि हम किस तरह से ऐप्स के ज़रिए अपनी एंड्रॉयड ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीक़ा। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह से एंड्रॉयड ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आपके साथ दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन हो तो बाज़ औक़ात जो भी आपके साथ फोन हो, मैं इसको चेंज कर दूँ, सॉरी, तो बाज़ फोन में इसी मेनू के बटन से आप फोन को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी फोन की ऐप्स को हिडन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। जो भी ऑप्शन हिडन ऑप्शन आपके साथ अगर एंड्रॉयड फोन में हो तो यहाँ से आप एंड्रॉयड की ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और यहाँ से भी मुख्तलिफ, यानी इस फोन में यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन मौजूद है तो यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं।
तो दूसरी एप्स भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में, जिसके ज़रिए हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्स मौजूद है प्ले स्टोर में, अगर ये एप्स काम नहीं कर तो आप दूसरी एप्स के ज़रिए भी इस एप्स को हाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि हम किस तरह से अपनी एंड्रॉयड फ़ोन की एप्स को हाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।